गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। AKM इलेक्ट्रिकल SPSC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे हीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि डक्टेबल हीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हीटर का कनेक्शन जो है किस प्रकार किया जाता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आया था। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको देना है, आप वीडियो बनवा सकते हैं, उसमें आप जो है कमेंट्स दे करके हीटर के बारे में आप जानेंगे। तो हीटर पर देखिए, ये हमारा पहला वीडियो है जो हीटर पर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हीटर में क्या क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। हीटर में हमारा ये सप्लाई आ रहा है RYB, यहाँ पर न्यूट्रल, न्यूट्रल नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थ्री फेज का यहाँ पर सप्लाई है, जो कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक कॉन्ट्रेक्टर ये भी है, ये कॉन्ट्रेक्टर का कॉयल है A1 A2, यहाँ पर भी कंडक्टर का कॉयल है A1 A2, ठीक है। और नीचे जो यू शेप का दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, ठीक है ना। यानी कि जो यू शेप का लगा हुआ है आपको दिख रहा है, बना हुआ है, वो है हमारा हीटर, ठीक है ना। तो हीटर जो है किस प्रकार से काम करता है, ये इसका पावर वायरिंग डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, ये पावर वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, सप्लाई यहाँ पर कैसे आ रही है, ये पहले देखिए। हमारा सप्लाई जैसे है, देखिए सप्लाई आने का मतलब कारण यहाँ पर क्या है, कि सप्लाई जो है हीटर का सप्लाई अलग दिया जाता है, ठीक है ना। हीटर का सप्लाई अलग दिया जाता है और पैकेज का सप्लाई अलग दिया जाता है, लेकिन ये फिक्स जो है डक्ट में ही रहता है, ठीक है ना। जब डक्ट के जैसे बगल में थोड़ा सा हट के इसको लगाया जाता है, क्योंकि जैसे गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में तो कूलिंग चाहिए, और सर्दी के दिनों में जैसे ठंडी का दिन हो गया तो उसमें जो है आपको हीटर की जरूरत है, यानी कि गर्म हवा की जरूरत है। कूलिंग रहेगा तो ठंडी हवा चाहिए आपको गर्मी में, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि सप्लाई ऐसे दिया जाता है। देखिए पहले क्या होता है कि SMDB रहता है, ठीक है ना। SMDB से सप्लाई आता है ELCB को, ठीक है। ELCB के बाद आइसोलेटर होता है, दो आइसोलेटर होता है। दोनों आइसोलेटर में देखिए, एक जो होता है जो है कूलिंग के लिए रहता है, और दूसरा जो है हीटिंग मोड के लिए, जो हीटर के लिए गया रहता है, केवल अलग अलग वहां से हो जाता है। इसलिए दोनों आइसोलेटर जो है स्टार्ट ही रहता है, ठीक है। तो हीटिंग मोड में जब थर्मोस्टेट को हीटिंग मोड में करेंगे, ठीक है, कूल मोड और हीट मोड थर्मोस्टेट में होता ही है, तो थर्मोस्टेट में जो है आप यदि हीटिंग मोड में रखते हैं तो क्या होता है, सप्लाई हमारे हीटर को जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम जो है हमारा हीट मोड स्टार्ट होगा, यानी कि हीट मोड में रहेगा तो हीटर स्टार्ट होगा। सर्दी के दिनों में हीट मोड आप करके रखते हैं थर्मोस्टेट में, तो हीट मोड में यदि रहेगा तो क्या होगा, हमारा हीटर चलेगा, ठीक है। और हीटर चलेगा तो हमको ब्लोअर भी चाहिए, ब्लोअर चाहिए, क्योंकि ब्लोअर चलेगा तभी ना हीटर जो है हीट हवा, यानी कि गर्म हवा रूम को देगी, गर्म हवा रूम में जाएगा जब हीटर चलेगा तब, तो, और ब्लोअर चलेगा तब तो। अगर ब्लोअर नहीं चलता है, ब्लोअर को मतलब ब्लोअर जब स्टार्ट होगा तो ब्लोअर को स्टार्ट जब होगा तो उसको सेंस करने के लिए एयर फ्लो स्विच लगाया रहता है, ठीक है। यदि अगर ये ब्लोअर चल रही है, अगर एयर फ्लो स्विच जो है क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने का मतलब है कि वो ब्लोअर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको जब उस पर हवा लगता है तो जो है उसको सेंस करके ये पता चलता है कि जी हाँ, हमारा ब्लोअर स्टार्ट है, हीटर भी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। हीटर अगर ब्लोअर ऑफ है, अगर हीटर ऐसे चलने लगा, जैसे एयर फ्लो स्विच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया चाहे नहीं चला, ठीक है, एयर फ्लो स्विच या ब्लोअर नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो क्या होगा, एयर फ्लो सेंस नहीं करेगा। अगर उस टाइम अगर हीटर चल रहा होगा तो क्या होगा, फायर हो जाएगा, यानी कि आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है एयर फ्लो स्विच लगाया रहता है कि जब ब्लोअर चलती है तो जो है हमारा हीटर चलेगा, अगर ब्लोअर नहीं चलेगी तो हमारा हीटर भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो है हमारा जो है ये आज हीटर का जो हम डायग्राम बताने जा रहे हैं, इसको मतलब पूरा वीडियो ध्यान में देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कॉन्ट्रेक्टर का ये पावर वायरिंग डायग्राम है,
तो पावर वायरिंग डायग्राम में सीधा हमारा सप्लाई आर वाई बी कॉन्टेक्टर कॉइल को आता है, ठीक है। यही से देखिए, क्योंकि यहाँ पर तीन इधर और तीन इधर यानी कि छह हीटर का जो यू शेप का होता है वो छह लगा हुआ है हीटर, हीटर का जो है ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है ना, ट्यूब यानी कि गोलाकार यू टाइप का, ठीक है, उसका ट्यूब होता है जो कि मतलब गर्म होता है, और उस पर हवा जब लगता है ना तो क्या होगा, आगे गर्म हवा रूम में जाएगी। तो इसके लिए जो है हमारा यहाँ पर जो है ये जो है अभी जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसको, ये कनेक्शन जो आप देख रहे हैं ये कैसे आता है, जैसे ऊपर से यहाँ पर थ्री फेस आ रहा है आर वाई बी, ठीक है ना, सेम यहाँ पर भी है, जैसे सेम यहाँ पर भी है, जैसे ये हो गया आर, ये है वाई और यहाँ पर बी, ठीक है, अब वही सेम नीचे आ रहा है, सेम नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी सेम नीचे आ रहा है। देखिए तो उसमें क्या होता है कि हीटर का हमारा एक पॉइंट जैसे स्टार और डेल्टा में होता है, तो यहाँ पर स्टार में पूरे को शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तीनों जो है आपस में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये इधर तीनों जुड़ा हुआ है, यानी कि अभी जो यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है 220 वोल्टेज, ठीक है, ये हमारे हीटर को सप्लाई मिल रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है, तो हीटर का सप्लाई मिल रहा है, यानी कि जैसे स्टार में, ठीक है ना, स्टार में ये सप्लाई अभी चल रहा है, जैसे मोटर में स्टार कॉन्फ़िगरेशन का सप्लाई चलता है, वैसे ही ये हीटर में भी चल रहा है, यानी कि हमारे दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल जो है आउट जो है यहाँ पर हीटर को दे रहे हैं, तो हीटर में जो है कितना हो जा रहा है 220 वोल्टेज आके, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका सेम यहाँ पर एक पत्ती ऊपर से शॉर्ट कराया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर एक शॉर्ट हुआ है एक एक पॉइंट पर, यहाँ पर आर, यहाँ पर वाई और ये बी, जैसे ये यहाँ पर हो गया ये आर, यहाँ पर ये सप्लाई वाई और ये बी, एक पॉइंट पूरा दोनों में शॉर्ट हुआ है, ठीक है ना, ये वो पॉइंट जो है पूरा शॉर्ट किया गया है, क्योंकि ये यू शेप का होता है, उसमें एक एक पॉइंट पर कनेक्शन दे, एक पॉइंट खाली जाएगा, खाली नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज मीटर से इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर सप्लाई जैसे एक पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट वाला, एक वो पॉइंट ये अगर चेक करेंगे तो हमारा 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है हीटर का है, और देखिए हीटर में सिर्फ यही नहीं होता है, एक दूसरे तरीके का भी होता है, जैसे आप ये देखते हैं कहीं में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, कहीं कहीं जो है क्या होता है, जो है हीटर का सप्लाई जो है कुछ अलग तरीके से होता है, जहां पर कि हम दिखा दे रहे हैं आपको अभी, उसको भी करके हम दिखा दे रहे हैं, जैसे हम करके दिखा दे रहे हैं उसको, जैसे क्या होता है कि मतलब स्टार, ये तो मतलब आपका स्टार कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, और डेल्टा में कभी कभी होता है उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। डेल्टा में क्या होता है, उसका जो है डेल्टा में कैसे होता है, अब ये देखिए जैसे क्या होता है कि उसका भी जो है हीटर जो है यू शेप का ही होता है, ठीक है ना, उसका भी यू शेप का ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तीन ही हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए कि ये हीटर का पॉइंट है, ठीक है ना, एक एक हीटर का ये पॉइंट है, तो उसमें सप्लाई जो है हम इस प्रकार से देंगे कि वो जो है हमारा 380 यानी कि 380 वोल्ट पर ही चलेगी। तो ये जो है देखिए क्या होता है उसमें, क्या इसमें क्या होता है कि सप्लाई एक टर्मिनल से ये एक टर्मिनल यानी कि उसका ये शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाले से इसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है, अब बच गया ये और ये, तो ये से पूरे को उठा के यहां से जाता है और इसमें शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। आ सप्लाई चलाने के लिए सप्लाई अगर आप जोड़ देते हैं, जैसे वहां पर स्टार में शॉर्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये जैसे आर फेस आ रहा है, तो आर को जो है इसमें सप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है, रेड वाले को, येलो वाले को इसमें सप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है, अब ब्लू वाला जो है यहाँ पर सप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये जो है हमारा
जो है इधर स्टार में हो जाएगा और इधर जो है डेल्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा हीटर का कनेक्शन होता है और हीटर ऐसे चलता है। ये अभी पावर डायग्राम है, अगले वीडियो में आप कंट्रोल डायग्राम बनाया जाएगा, इसमें कौन कौन से सेफ्टी होते हैं और कैसे इसका कंट्रोलिंग काम करता है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।